अरे वीडियो बना दो। 5/11 पर ये गाड़ी कैसी लगती है? 5/11 पर ये गाड़ी, सर आप में से जो भी कोई चलाने जाता है खुद देख नहीं पा। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एज वेल एज इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी भी बारिश आ ही रही है। तो सारे बैठे हुए हैं जो कि अभी सब वीडियो में आने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख। ऑल राइट गाइज, तो फाइनली हमारे सारे राइडर आ गए डिफरेंट हाइट्स वाले, और पता नहीं यार आज क्या हो रहा है, ये सीन में फिर से ले चुका हूँ, माइक ही खराब हो गया। और यहाँ पर 5/4, 6/2, 5/6, 5/9, 5/11 सारी हाइट के बंदे हैं। तो बहुत से लोगों के कॉमन डाउट्स आ रहे थे कि यार हम पर ये बाइक सूट करेगी कि नहीं, स्पेशली टॉल राइडर्स के लिए, बिकॉज उसके पीछे एक ही रीज़न है, इस गाड़ी की सीट हाइट है 765 mm। मीटियोर रॉयल इनफील्ड की 350 सेगमेंट की बाइक है ना, अगर आप क्लासिक को ही देखोगे ना तो उसकी हाइट है 805 mm। तो आप खुद ही देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो आज पर्सनली सब बैठ कर देखेंगे, हम उनसे राइडिंग पोस्चर भी पूछेंगे। तो प्रवीण से हम स्टार्ट करेंगे, प्रवीण, मैं, फिर नितेश, फिर हर्षिल एंड फिर सम्राट भैया लास्ट में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो प्रवीण मेरे साथ ज्वाइन हो चुका है। भाई तेरी हाइट कितनी है? 5'4" तो 5'4" इसकी हाइट है। तो डिटेल में आज देखो, हम पूरा देखेंगे। सबसे पहले तो आप पोस्चर देख सकते हो, स्ट्रेट बैठना एकदम अपराइट। तो आप देख सकते हो गाड़ी मतलब इस पर सूट हो रही है, छोटी बिल्कुल भी नहीं लग रही इस पर गाड़ी, नई गाड़ी पर छोटा लग रहा है। दोनों पैर देख सकते हो 765 mm की सीट हाइट है, मतलब इसके दोनों पैर पूरे तो नहीं टिक रहे हैं, बट हाँ मतलब ऐसे चलाने में तो कोई इसको दिक्कत नहीं होगी। पोस्चर की बात करें तो मतलब तेरे को कैसा लग रहा है गाड़ी पे बैठने पे? मतलब ऐसा कंफर्टेबल लग रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ी में पाँव नहीं पहुँच रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार ये गाड़ी अगर मैं डेली पर्पज सिटी पे चलाऊंगा, मेरी हाइट 5'3" या 5'4" हो तो मेरे को कुछ दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब नॉर्मल गाड़ी से इसकी हाइट जो है पता नहीं चल रहा है कि बड़ी लग रही है गाड़ी। हाँ देख सकते हो आप, पूरी 5'4" पे तो सूट हो रही है, स्पेशली आप 6'2" पे देखना कैसी लगती है। तो 5'4" पे आप देख सकते हो, राइडिंग पोस्चर भी यहाँ से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो 5'4" जिसकी हाइट है हो गई थोड़े शॉर्ट हाइटेड है, तो उन पर भी मीटियोर बेस्ट चॉइस रहने वाली है, आप खुद देख सकते हो। ऑल राइट गाइज, नेक्स्ट नहीं बैठ रहा हूँ बिकॉज मेरी हाइट 5'6" है, मेरी एक एवरेज इंडियन इतनी हाइट है। मतलब मैं जितनी बाइक्स चलाता हूँ आप मेरे इंस्टाग्राम को चेकआउट कर लेना, रील्स भी है ना सारी बाइक्स पे, मतलब मैं ऑलमोस्ट सूट ही होता हूँ। तो मैं इस पर भी आपको बैठ कर दिखा देता हूँ। तो पहले तो आप मेरे दोनों पैर देख सकते हो, तो आप देख सकते हो मेरे पैर जो है दोनों आराम से टिके हुए हैं नीचे, पैर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, स्पेशली अगर आप पोस्चर चेक करेंगे साइड से। तो मतलब मेरे ऊपर गाड़ी ये पूरी सूट होती है, बिकॉज मैंने जितने मीटियर के कंटेंट बनाए हर किसी के कमेंट आते थे कि यार आपकी हाइट कितनी है। तो देखो मेरी हाइट 5'6" है, अगर आपकी भी हाइट 5'6" है एंड शूज़ पहनोगे तो ऑलमोस्ट 5'7" हो ही जाती है। पोस्चर बहुत ही बढ़िया है, इन मीटियोर पर इतने कंटेंट बना चुका हूँ, तो मैंने सिटी में चलाई है, हाईवे पे चलाई है, ट्रैफिक में चलाई है, कोई भी दिक्कत नहीं आती, मुझे बाइक परफेक्ट सूट होती है। चलाने वाले भी सिनेमेटिक्स दिख रहे होंगे तो आप उससे अंदाज़ा लगा लेना। सो अब मेरे साथ नितेश ज्वाइन हो गया है जिसकी हाइट है 5'9", उसका पूरा पोस्चर दिखाने वाले हैं। और भाई ऑनेस्टली बताना, ओनर के चक्कर में मत पड़ना, तेरे को जो फील होता है वो शेयर करना। तो सबसे पहले तो आप पोस्चर देख सकते हो, अपराइट बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं अगर आप टैंक से अंदाज़ा लगाओगे ना तो गाड़ी थोड़ी छोटी लग रही है मुझे 5'9" पे। अगर थोड़ा आगे लीन होके बैठ, एक बार थोड़ा सा आगे लीन होके, फिर भी आप देख सकते हो, देखो 5'9" पे भी गाड़ी छोटी लग रही है, स्पेशली अगर इसके मिरर्स को रिमूव कर लेंगे ना तो थोड़ी और गाड़ी छोटी लगेगी। आपको मैं दोनों साइड से दिखा देता हूँ, पैर प्रॉपर टच हो रहे हैं एंड आप देख सकते हो गाड़ी तो पूरी सूट हो रही है। इसे पूछना चाहूँगा, फर्स्ट इंप्रेशन इस बाइक पर बैठने का कैसा लग रहा है? भाई सीटिंग एकदम कंफर्टेबल है, एकदम परफेक्ट सीटिंग है इसका। मैंने इसका पहले भी क्रूजिंग करी है बाइक पे एंड एकदम बहुत कंफर्टेबल फील आता है मेरे को, और बिल्कुल एकदम थकान तो बिल्कुल नहीं होती। देखो मतलब आप में से बहुत से लोग हैं जिन्हें ऐसे लुक में छोटी लग रही होगी, बट पर्सनली अगर आप 6' या 6'2" भी हो तो बैठ कर देख लेना, बिकॉज देखो दो चीज़ है, एक राइडिंग कम्फर्ट हो जाता है एंड दूसरे आपके लुक्स हो जाते हैं गाड़ी पे। तो गाइस देख सकते हो 5'9" पे मुझे कहीं ना कहीं गाड़ी थोड़ी छोटी लग रही है, बट मेन चीज़ राइडर की भी होती है, राइडर को चलाने में कंफर्टेबल है, भाई ने गाड़ी चलाई भी है। अब नेक्स्ट ट्राई करने वाले हैं खुद इस बाइक का ओनर जो कि हर्षिल है, उसे आपने मतलब जो मेरे मीटियोर के सब्सक्राइबर्स हैं उनने पुरानी वीडियोस में देखा होगा। सो अब हर्षिल ज्वाइन हो रहा है 5'11" दूर से एज अननोन, अगर फर्स्ट इंप्रेशन है मैं तो बोलूंगा नहीं बिकॉज ओनर को बुरा लग सकता है, बट आपका क्या इस पर एक फर्स्ट इंप्रेशन है 5'11" राइडर पर मीटियोर कैसी लग रही है मेरे साथ एक बार कमेंट में शेयर कर देना। अब भाई ने तो सबसे ज़्यादा चलाई है, लॉन्ग राइड्स करी है, ऑफ रोडिंग करी है, तो ओवरऑल हर्षिल अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, बट मैं आपको लुक दिखा देता हूँ इसका। एक बार हैंडल बार पे हाथ रखना दोनों,
सो आप देख सकते हो। और एक चीज़ और है, अगर इसके मिरर हटा लेते हैं ना तो गाड़ी और छोटी लगती है, तो मिरर के कारण थोड़ी गाड़ी मतलब बड़ी लगती है ऐसा कुछ, बिकॉज टैंक के कारण। अगर आप देखोगे ना, जो भी इस गाड़ी में मेनली टैंक ही, अगर आप सीट देखोगे तो बहुत ही डाउन साइड इस पे दी है। मैं ओनर से पूछना चाहूंगा, अभी बैठने के बाद मतलब इतनी गाड़ी राइड कर ली, कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि यार गाड़ी मुझ पर छोटी लगती है। नहीं, राइडिंग के हिसाब से यूँ तो कम्फर्ट है गाड़ी, पर एज अ फोटो लेने में थोड़ी सी छोटी लगती है। मतलब राइड करने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता गाड़ी छोटी है। बाकी मतलब फोटोज लेने में आपको पीछे खड़ा होना पड़ेगा तो आपके थोड़ी बल्की लगेगी गाड़ी। और देखो मीटियोर जैसी क्रूजिंग बाइक है, अब क्लासिक का तो यार इतना कॉमन मार्केट हो गया है अभी 3-4 दिन में। अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अभी मतलब अगर कोई थोड़ी लेट देख रहा है तो अभी तक हंटर आ चुकी होगी, बट अभी इसी महीने 7th को हंटर भी आने वाली है, तो वो भी आपके लिए एक मतलब स्क्रैम टाइप लुक में एक ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके पास चॉइसेस बहुत सारी, अगर आप इंटरसेप्टर, GT, क्लासिक या जावा या फिर NS जैसी बाइक्स देखोगे तो उसकी 800 mm प्लस ही है, ये 765 काफ़ी कम हो जाती है। बट आप एक बार फिर से देख लो लुक कैसी लग रही है इस पर। सम्राट भैया मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, जिनकी हाइट है 6'2" एंड पर्सनली हिमालयन ओन करते हैं। और आप खुद ही देख लेना, जो भी 6 feet अबाउ राइडर है उस पर मीटियोर कैसी लगती है। अभी आप देख सकते हो कमर के नीचे सीट आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई 7 feet का बंदा इस गाड़ी पर बैठ गया है। हालांकि हमारे पास 6'5" का राइडर भी अवेलेबल था, हमने उसे बुलाया नहीं बिकॉज वो बहुत ही रेयर केस हो जाता। सबसे पहले तो यार आप पैर टिकाना एक बार, गाड़ी कितनी छोटी लग रही है। और अगर आप फुटरेस्ट पे पैर रखते हो तो आपको कुछ इशू, आपने मीटियोर चलाई है, क्या एक्सपीरियंस रहा है एज अ 6'2" राइडर? हैंडल लड़ता है पूरा, और क्या, पूरा हैंडल लड़ता है। देखिए अभी मैं मोड़ूंगा तो हैंडल लड़ेगा। अच्छा, मतलब टर्निंग के टाइम दिक्कत आती है, बाकी तो यार देखो लुक्स में तो एकदम मतलब मीटियोर टॉल राइडर्स के लिए है ही नहीं। आपको मैं सब दूर से लुक दिखा देता हूँ एक बार इसका। आपने लुक्स में तो ओवरऑल देख लिया, भैया ने कौन भी बता दिया, अगर आप 6 feet अबाउ राइडर हो तो आपके हाथ भी यहाँ पर टकराएंगे। बट आपने इसको राइड करी है सिटी और हाईवे पे, तो मतलब कैसी लगी, छोटी लग रही थी क्या राइड करने में भी? बहुत छोटी लगी। भैया पर्सनली हिमालयन ओन करते हैं, जो कि मतलब स्पेशली हम में से हर्षिल को छोड़ के हम में से किसी पर भी वो गाड़ी सूट नहीं होती। आप इंस्टाग्राम पर रील भी चेकआउट कर लेना, हिमालयन पर मतलब ऐसा है शॉर्ट राइडर्स के लिए है ही नहीं, जो भी टॉल राइडर्स हैं ना उन पर हिमालयन काफ़ी सूट करती है, स्पेशली 6 feet या 6 above। मतलब ये गाड़ी टॉल राइडर के लिए चॉइस नहीं रहने वाली, पॉसिबल नहीं। और पीलियन को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जगह नहीं मिल पाएगी बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये फायरवॉल वेरियंट है और इसमें आपको बैक रेस्ट नहीं मिलता है। ऑल राइट गाइज, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए कॉन्टेंट इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सारे राइडर्स को हमने पर्सनली बैठकर इसलिए दिखाया बिकॉज जो भी कोई लेने जाता है गाड़ी, पॉसिबल नहीं हो पाता था कि यार खुद फोटो लेके भी देख ले। तो आपको इसी वीडियो से आप जितने भी राइडर हो 5'3" से लेके 6'2", अब 6'2" ही हमने ले लिया तो आप देख सकते हो आप 6'3" 6'5" हो तो ये गाड़ी को मतलब लिस्ट में से हटा दो। आपकी हाइट अगर स्पेशली 5'4" से लेके 5'8" तक है, 5'9" भी नहीं बोलूँगा 5'8" तक है ना, तो आप पर ये गाड़ी चलाने में तो कंफर्टेबल रहेगी। बट यार एक रोड प्रेजेंस आता है ना, वो भी बहुत ही बढ़िया आने वाला है। सभी मेरे भाइयों को थैंक यू सो मच जो टाइम निकाल कर आए, और बहुत ही आज मज़ा आया शूट में बिकॉज बहुत मस्ती हो रही थी। सो बिहाइंड द सीन्स अगर हुआ तो थोड़े बहुत मैं बीच में डाल दूंगा, या आपने वीडियो में देख लिए होंगे। तो यार देखो वीडियो यहाँ तक देखिए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के साथ।